गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम आज देखेंगे डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, मतलब कि किसी पॉलिनोमियल से किसी पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, डिवाइजर है और डिविडेंट है। तो डिविडेंट क्या है हमारे पास, डिविडेंट है हमारे पास एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब ये हमारे पास क्या है, डिविडेंट है। और हमारे पास डिवाइडर क्या है जिससे हम इसमें डिवाइड करेंगे, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब हमें ये देखना है कि ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है, कितने कम है, एक एक्स कम है, तो हम इसमें एक एक्स का भाग दे देंगे, मतलब गुणा कर देंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा 2x, यहाँ पर किससे भाग दिया हमने, एक्स से, तो इधर लिखेंगे हम कोशेंट में। अब यहाँ पर आ गया 2x, अब ये माइनस का माइनस, और यहाँ पर क्या है 2, ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम x से एक्स स्क्वायर में भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा x का क्यूब। तो यहाँ पर x क्यूब है, तो यहाँ पर x क्यूब के नीचे x क्यूब लिख देंगे। अब यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर x है, मतलब ये 2x है और यहाँ पर x 3x स्क्वायर है, तो हम ये हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि x के नीचे x, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, नंबर के नीचे नंबर और एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब लिखते हैं। तो हम ये यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम 2x माइनस का। उसके बाद में हम ये साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर अब हम इसको नीचे कर लिखेंगे। उसके बाद में ये कितना आ गया, माइनस का 3x स्क्वायर। अब ये यहाँ पर प्लस कितना हो गया, 7x। अब यहाँ पर माइनस का 3, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद में हम किससे भाग दें, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है हमारे पास, अब किसकी कमी है, माइनस 3 की। अब यहाँ पर हम माइनस 3 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस का 3। अब यहाँ पर 3 टू जा 6, यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x का माइनस का 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, 6 है, मतलब नंबर के नीचे लिखा आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। अब यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हम साइन चेंज करेंगे, तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर हम 7x का 7x उतार लेंगे। उसके बाद में ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर माइनस का 9। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, मतलब कि ये बड़ा है, तो ये हमारे पास आ गया।